कुछ अमराज ऐसे हैं जो हम खुद से लेते हैं, डिजीज ऑफ लाइफस्टाइल से लेते हैं, यानी रहने सहने से लेते हैं। हमारे खाने पीने से बहुत सारे अमराज जन्म लेते हैं। जैसे हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें आगाही नहीं है कि शापर का इस्तेमाल करने वाले, प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले, एलुमिनियम का घरों में इस्तेमाल करने वाले, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करने वाले सारे के सारे लोग तकरीबन बीमार हैं, क्योंकि इससे कैंसर हो रहा है, अमराज बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि हम जब किसी होटल से, रेस्टोरेंट से पराठा भी लाते हैं, अखबार में लपेट कर लाते हैं, निहारी और पकवान भी मुख्तलिफ तरह के वो भी शापर में लाते हैं, तो इससे अमराज बढ़ रहे हैं। पिज़्ज़ा और बर्गर खाने वाले और बड़े होटलों के पकवान खाने वाले भी सारे के सारे अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। तो आप सेहतमंद रहें, सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है, मैं समझता हूँ। गन्ने का रस, फ़ायदे और नुकसान। गन्ने का रस सारे पीने वाले, मेरे पास जितने पेशेंट आए कि हकीम साहब, हमें हमारे तबीब ने, डॉक्टर ने, हकीम ने हमें बताया कि आप गन्ने का रस पिए, आपको यरकान है, तो गन्ने का रस सारे पीने वाले सारे के सारे बीमार हो चुके हैं, पहले से मर्ज बढ़ चुका है। उसकी वजह यह है कि गन्ने का रस तो बता दिया, लेकिन ये अवेयरनेस नहीं दी कि जो गन्ना का रस देता है वो खुद कितना साफ है, उसके आसपास माहौल कितना साफ है। गन्ने का रस जो लोग बेचते हैं वो खुद, उनके पास आसपास टॉयलेट नहीं होता तो खड़े होकर पेशाब करते हैं, पाकी नापाकी का उनको मालूम नहीं होता। दूसरा ये है कि आसपास वहाँ डस्ट उड़ रही होती है, तीसरा वहाँ मक्खियाँ होती हैं, चौथा वहाँ मशीन गंदी होती है और लोगों का वहाँ रश लगा होता है। ये भी अजीब बात है कि जहाँ जो है रश लगा हो, आवाम वहाँ ज़्यादा जाती है। तो इसलिए आप जो है गन्ने का रस इस्तेमाल करें, तो फिर गन्ना ले लीजिए, उसको धो लीजिए और घर में गन्ना आप चूस लीजिए, ये भी सबसे बेहतर है। ये ज़रूरी नहीं कि आप गन्ने का इस्तेमाल करें, इसके अल्टरनेट भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। और सारे बड़े होटलों के खाने वाले सारे के सारे बीमार हैं, ये स्टैंडर्ड कोई नहीं है कि बड़े होटल में आप खाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, आपको वहाँ खाना अच्छा मिलेगा। स्टैंडर्ड आपकी सेहत है कि आप अस्पताल से बच जाएं, आप अद्वियात से बच जाएं, और जितनी उम्र भी आप पाएं, तवील उम्र पाएं, जितनी अल्लाह ने आपकी उम्र रखी है वो आप सेहतमंद रह कर आप गुजारिए, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है, मैं समझता हूँ। तो गन्ने का रस कि अल्टरनेट जो है, सत्तू आपके पास मौजूद है, सत्तू का तिब्बे नबी में जिक्र है, सत्तू का इस्तेमाल करें, ये भी यरकान और बहुत सारे अमराज जैसे कैंसर है, दिल के अमराज हैं, मैदा के अमराज हैं, उसके लिए भी मुफीद है। दूसरा, लीमू पानी इस्तेमाल करें। तीसरा, शहद पानी इस्तेमाल करें। चौथा जो है अनार का रस इस्तेमाल करें। पाँचवा, लस्सी इस्तेमाल करें, दही की लस्सी। छठा जो है दूध की लस्सी इस्तेमाल करें और जोखार साथ में लें, ये भी मुफीद है। अकेली लस्सी ही काफ़ी है, लस्सी में आप धनिया डाल लें तो सोने पर सुहागा है, लस्सी में आप थोड़ा सा पुदीना डाल लें तो ये भी सोने पर सुहागा है। तो गन्ना जो है आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन गन्ने का रस मौजूदा हालात में जो इन्वायरमेंट है उससे आप बचें, ताकि आप भी बचें, अपनी फैमिली को भी गन्ने के रस से आप बचाइए। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि सब्जियां और फ्रूट्स जो हैं मौजूदा हालात में उस पर स्प्रे किया होता है, तो आप सब्जी और फ्रूट्स जो है वो फटकड़ी के पानी से धोकर फिर आप इस्तेमाल कीजिए। अगर फटकड़ी का पानी ना हो तो नीम के पानी से धोकर इस्तेमाल करें।